नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा के 15वें सेट को आगाज करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये साथियों, ओडिशा सरकार के द्वारा फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अगला सवाल है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए, तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए साथियों इनके लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला सवाल है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के रक्षा मंत्री बनाया गया। तो ये है साथियों अनीता आनंद। अगला सवाल है, किस शहर को सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। तो ये साथियों आपका शहर कोची है जो सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। अगला सवाल देखें, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो स्थापित किया गया, ये केरला में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया। तो ये देश है साथियों रसिया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये चिन्नौर चावल है साथियों मध्य प्रदेश के, जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगला सवाल देखें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में जो है 2021 में भारत का स्थान 10वां रहा था, जबकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा था। अगला सवाल देखें, चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 ईस्वी में कहाँ किया जाएगा। तो यह साथियों सेनेगल में किया जाएगा, सेनेगल की राजधानी डकार में। अगला सवाल देखें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। अगला सवाल देखें, भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया। तो भारत चाइना के साथ जो समझौता किया अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए। अगला सवाल देखें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों ये मनाया गया है, तो इसका थीम कहता है 2021 में क्या रखा गया था। तो साथियों ये 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम रखा गया था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला सवाल देखें, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य जो है हाल ही में चर्चा में रहा और ये है साथियों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। अगला सवाल है, किस तमिल फिल्म को IFFI यानी आईफा 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया। तो ये फिल्म है साथियों साउथ इंडियन फिल्म, ये तमिल फिल्म है कुंजगल। अगला सवाल देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की। तो साथियों ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो ये है साथियों तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना गया। अगला सवाल देखें, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन जो है किस रेलवे स्टेशन पर किया गया। तो ये पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। तो साथियों ये देश है आपका वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो 2021 में किया है, ये देश है फ्रांस। अगला सवाल देखें, किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुख्यालय साथियों लंदन में है और हाल ही में जो है इनका महासचिव एग्नेस, हाल ही में साथियों इनका महासचिव एग्नेस केलमर्ड को बनाया गया। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया और इनका नाम था दिग्विजय सिंह झाला। अगला सवाल है, किसके द्वारा वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये साथियों
भूपेंद्र यादव हैं। अगला सवाल देखें, 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये तीनों व्यक्ति हैं डेविड कार्ड, जोसियो एग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस, यानी कि ये उपरोक्त सभी होगा, यानी तीनों को मिला था। अगला सवाल देखें, दुनिया की पहली स्वचालित रहित ट्रेन का अनावरण किया गया और ये किया गया साथियों जर्मनी में, तो होगा सी। अगला सवाल देखें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया, तो ये साथियों हाल ही में भारत को ही पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। अगला सवाल देखें, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता, तो मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी। अगला सवाल, अगला सवाल है साथियों कि दिए गए विकल्प में किस नदी का बहाव पंजाब में नहीं है, तो साथियों ये जो है ताप्ती नदी का बहाव जो है मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखें, कौन सा राज्य का समूह जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है इसके अंतर्गत आता है, तो यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला सवाल देखें, गुलाबी क्रांति का संबंध साथियों प्याज के उत्पादन एवं झींगा मछली के उत्पादन से है, जबकि लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर के उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल देखें, सर्किक विवाद किन देशों के मध्य है, तो साथियों सर्किक रेखा गुजरात में है और ये जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी के से संलग्न नहीं है, तो पटकाई पहाड़ी से सटा हुआ नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार साथियों वो आपका होगा त्रिपुरा जो है इसके अंतर्गत नहीं है, जबकि मेघालय नागालैंड और मणिपुर है। अगला सवाल है, सूची एक दर्रा है और सूची दो में राज्य है, तो इनको मैचिंग करते हैं। सब साथियों बूमल दर्रा या बमडीला दर्रा ये है अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला नाथुला ये सिक्किम में है, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल देखें, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्मकालीन मानसून है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि भारत में दो प्रकार के ही मानसून है, एक दक्षिण पश्चिम और एक उत्तर पूर्व। अगला सवाल देखें, लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये गंगा के मैदानी भाग में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा NH जो है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 जो कि साथियों श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच है। अगला सवाल देखें, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना जो है साथियों ये ब्रिटेन के सहयोग से 1956 ईस्वी में हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल देखें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना साथियों 1984 ईस्वी में हुआ था, जबकि भेल की स्थापना साथियों 1964 में और 1975 में जो साथियों सेल की स्थापना हुआ था। अगला सवाल देखें, सेल की स्थापना जो है साथियों वो हुआ था 1974 में, भेल 1964, सेल 1974 और गेल 1984। अगला सवाल देखें साथियों, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, जबकि खेल को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। अगला सवाल देखें, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे जॉन मथाई, और स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे षणमुखम शेट्टी। अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी थे। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता है, तो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की विशिष्टता है कि
उपभोक्ता का उसमें संप्रभुता होता है। अगला सवाल देखें, किन जंगलों में जो है 1932 ईस्वी में भारत में पहली बार बाघों की गणना हुई थी? तो ये हुई थी साथियों पलामू, जो कि झारखंड में है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन जैविक उर्वरक है? तो जैविक उर्वरक है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, सहजीवी संबंध, ये सभी जो है जैविक उर्वरक हैं। अगला सवाल देखें, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है साथियों असम के जोरहट में। अगला सवाल है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह है साथियों आपके कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला का जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होगी, तो होगी साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर पूर्ण रूप से जलेगा तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अधूरे जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल देखें, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो साथियों ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है, इसे अलग किया जाता है। अगला सवाल है, नीलम का रासायनिक नाम? तो साथियों एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है नीलम का रासायनिक नाम, तो ये होता है Al2O3। अगला सवाल है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ये रसायन है आपका कॉपर सल्फेट। अगला सवाल देखें, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवाजियर को। अगला सवाल है, निम्न में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो साथियों केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, इसी कारण से जो है सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातुक है, अलौह धात्विक खनिज है? साथियों निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि बोरोन जो है वो लौह है। अगला सवाल है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह साथियों माइक्रोस्कोप से जो है यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहा जाता है मायोपिया, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला सवाल देखें, 40 डिग्री फॉरेनहाइट सेल्सियस पर जो है फॉरेनहाइट स्केल क्या होगा? तो 40 डिग्री अगर सेल्सियस रहेगा तो फॉरेनहाइट हो जाएगा 104 डिग्री, C/5 होता है साथियों और F-32/9, इसी पर जो है इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखें, दाब का इकाई होता है साथियों, तो दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जबकि बल का न्यूटन होता है। अगला सवाल देखें, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, रडार का आविष्कार किसने किया? तो साथियों रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे गामा किरणें निकलती है। अगला सवाल देखें, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि फलियों में जो है ये पादप है, ये साथियों ये पौधा है और इस पौधा में प्रोटीन अनिवार्य रूप से पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसे महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं? तो यह है साथियों एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा ऑप्शन के अनुकूल और पुरुषों में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो साथियों इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल्स से स्रावित होता है, जबकि अल्फा से ग्लूकोन और गामा से साथियों सोमेटोस्ट्रोपिन। अगला सवाल देखें, एड्स किसके कारण होता है? तो साथियों एड्स जो है रेट्रोवायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी रक्त के स्कंदन में विटामिन K का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधे को लंबा करने में किया जाता है?
तो बौने पौधे को लंबा करने में किया जाता है साइटोकाइनिन का प्रयोग, जबकि बौने पौधा को लंबा कर देता है जिब्रेलिन्स। अगला सवाल देखें, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है, जानवरों के प्रति क्रूरता भावना को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो साथियों, उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, भारत के वरीयता क्रम में साथियों पहले पर कौन आता है? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पहले पर साथियों लोकसभा के यानी UPSC अध्यक्ष आता है, क्योंकि पहले होता है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद UPSC अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। अगला सवाल देखें, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि साथियों 104वां संविधान संशोधन हुआ था, और यह विधेयक था 124वां, और यह हुआ था आरक्षण से संबंधित है, जिसमें SC ST के लिए जो है 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया है 2030 तक के लिए। अगला सवाल देखें, संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, और ये साथियों ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अगला सवाल देखें, भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में आरक्षित है सीट, तो भारत में जो है महिलाओं के लिए साथियों ग्राम पंचायत में है एवं नगर पालिकाओं में है, तो दिए गए ऑप्शन में ग्राम पंचायत होगा। अगला सवाल देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देता है किसको पत्र लिखकर? तो ये देता है साथियों राष्ट्रपति को जो है पत्र के द्वारा। अगला सवाल देखें, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल व केवल लोकसभा में ही, और इसका निर्णय धन विधेयक है कि नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल देखें, एक नया राज्य बनाना है और इसमें साथियों संविधान संशोधन जो है कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण सा बहुमत चाहिए। अगला सवाल देखें, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया? तो साथियों अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत जो है, और इसे 2004 से ऐसा अनुमानित दिया गया। अगला सवाल देखें, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट साथियों पेश करती है लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि लोक लेखा समिति को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है भारत के प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, संतनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है आरंभ करने वाले थे एवं बाजार नियंत्रण प्रारंभ करने वाले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जबकि सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। अगला सवाल देखें साथियों, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो यह करने वाले शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल देखें, 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां द्वारा परास्त किया गया? तो ये साथियों बहार खां लोहानी था, जो कि शेर खां द्वारा परास्त किया गया। अगला सवाल देखें, मुगल काल में मुख्य काजी था, तो मुगल काल में साथियों काजी जो था वो था मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल देखें, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सा सत्ता में थी? तो उस समय जो साथियों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, और भारतीय प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। अगला सवाल देखें, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, इन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी के विरोध में साथियों 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी की जो है दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उसे प्रसिद्धि मिली? तो सर्वप्रथम साथियों 1915 में महात्मा गांधी भारत आया था, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसके कारण उसे प्रसिद्धि मिली थी, और इसी के कारण जो है चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती के लिए जो साथियों तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा अंग्रेज़ों को। अगला सवाल देखें,
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यह हुआ था 1936 में लखनऊ में। अगला सवाल देखें, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये देवबंद के विद्वान थे। अगला सवाल देखें साथियों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो साथियों, सर्वप्रथम जो है सती होने का प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, किसी भोजराज की पत्नी कोश में सती होने का प्रमाण मिलता है। अगला सवाल देखें, अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है? तो यह है अशोक के दूसरा शिलालेख, जिसमें कि अशोक ने कुल 14 शिलालेख का प्रचलन किया था। अगला सवाल देखें साथियों, सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है 2015 से ही, और 2021 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा फॉर वेल बींग। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ILO का मुख्यालय साथियों जेनेवा है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का बजट जो है पर विचार करने एवं उससे अनुमोदित करने के लिए जिम्मेवार है महासभा, क्योंकि महासभा ही ये काम करती है बजट तैयार करना। अगला सवाल देखें, सूची एक और सूची दो के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ उसके चिन्ह दिया गया है, तो भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, और साथियों ये फ्रांस का लिली है, जापान का साथियों कनाडा का मैपल लीफ है, और जापान का गुलदावदी है। अगला सवाल देखें, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो है गोबी, जो कि मंगोलिया चीन के सीमा पर है, और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, और साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। अगला सवाल देखें, विष्णु पद मंदिर किस जिला में है बिहार में? तो वो है गया जिला में, इसके निर्माणकर्ता थे अहिल्याबाई होलकर। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्न, तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।